देखिए भाई, बहुत बहुत काम करना पड़ता है, लगा देते हैं और घास में से दीमक भगा देते हैं भाई। देखो गांव में हम आ चुके हैं और यहाँ देखो चार क्या हालत कर रखी है गायों ने, गोबर कर करके यहाँ अंदर तक गायों ने। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका एमडी यादव ब्लॉग्स में। भाई आज तो हम लोग 8 बजे हैं और तैयार हो गए रेडी, और पराठे खा लेते हैं, पराठे भिंडी की सब्जी दही और अचार, और बस चलते हैं। आज दो चार काम है, एक तो घास में पानी लगाना है तो मुकेश यादव को बुला के पानी लगाते हैं, और एक दोनों जादूगरनी आ चुकी हैं भाई। देखते ही जैसे ही हम खेत पे आए वैसे ही आ देखो छाती पे पैर रख दिया। देखिए भाई रुक जा भाई, रुक जा, मुके जाने का रोटी खवाए ना, नहीं खा जाए भाई, सबरे कपड़ा ख़राब करते हैं। कितने इंतजार में बैठी, देखी रोटियों के लिए, देखी ऊपर ही ऊपर कैच कर लेती, नीचे आने भी नहीं देती। और वो देखो बहुत लाया मैंने अपराध, पेट भर दे मैंने उठा। वही खेतों पे आके अपने काम में लग गए हैं, कपड़े लत्ते सब उतार दिए, देखिए जीन्स और ये टी शर्ट यहाँ पर टांग दिए, जूते भी उतार दिए हैं। अब आ गए देसी किसान की आउटफिट में, देखिए भाई सब कुछ उतार के चड्डी बनाने में आ गए, और यहाँ का तो कर देते हैं कमरा बंद। चौंक फिलहाल लाट आएगी 10 बजे, अभी बजे हैं 9 बजे, 10 बजे लाट आएगी, तब तक ये भरा जो कल अधूरा काम रह गया था उसे पूरा कर लेते हैं, क्योंकि कल हम कैमरा लेके नहीं आ पाए तो हमने ब्लॉग नहीं बनाया था कल, तो आज उस ब्लॉग को पूरा करते हैं। नहीं कल मैंने बहुत फावड़ा चलाया, पंपराई बहुत सारी करी थी। अब देखो अब तो मुकेश को लगा दिया, अभी दिखाते हैं आपको कहाँ लगा हुआ है। सुबह सुबह खेतों पे आने का नज़ारा, ऊपर से बादल आज बरस जा रहे हैं तो ये पानी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलो भाई पानी लगाने की कोशिश की, लेकिन देखो कितना गीला हो चुका है, यहाँ चारों तरफ पानी निकल रहा है इसमें से, भरा में से, तो इसमें थोड़ी पौंरियाई करनी पड़ेगी। मुकेश यादव जी की हिम्मत है, ये काम करेंगे, नहीं हम तो हिम्मत तोड़ के कल भाग गए, बहुत पौंरियाई कर ली हमने। भाई इस साइड में तो घास पूरी पूरी हरी हो गई, देखो दिख रहा है ये हरी हरी ये वाली घास, लेकिन उस बीच वाली साइड में बिल्कुल सूखा सा पड़ा है। और देखो ये दीमक लग गई, इसके लिए लेके आए हम दवा, देखो है ना दीमक, सारी सूखी सूखी घास इस दीमक ने ख़त्म कर दी, बिल्कुल सूखा दी, और पानी लग जाएगा और दवा लग जाएगी फिर ये। भाई थोड़ा ही पावड़ा चलाया तब निकल गई, पावड़ा चलाना बहुत टेढ़ी खीर, कल बहुत परेशान हो गया था मैं, हमें पानी लगा नहीं रहे थे तब बरस नहीं रहा था, और जैसे ही पानी लगाना वो समर चलाना शुरू किया, देखो यहाँ तक पानी आ पाया बस अभी तक, ठीक है, और तब तक बारिश होने लगी। अभी तेज़ तो नहीं हो रही लेकिन अंदाजा बहुत तेज़ बारिश होगी आज, 70% पानी दिखा रहा है नेट पर, तब तो पानी पी देते हैं भाई। बालू आ रही है भाई, पानी नहीं पी पाएंगे इसे, बहुत बालू आ रही है। चलो थोड़ा पानी निकल जाने दो, उसके बाद देखते हैं। मैं किसानों ने काम किया होता है भाई, ऐसे ही थोड़ी किसानी हो जाती है, हम तो बच्चों के लिए एकेडमी बना रहे हैं तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। दवा पूरी तरह खेत में फैल जाएगी तो दीमक का प्रकोप कम हो जाएगा। देखिए जहर में कितना असर है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो गया पूरा पानी, अच्छा लगा लेते हैं, और उसके बाद मैं लगाऊंगा भाई साहब दवाई, मैं लगाऊंगा। देखिए भाई बहुत बहुत काम करना पड़ता है, ऐसा ही नहीं आया बन जाता काम, ठीक है भाई, दवा लगा देते हैं और घास में से दीमक भगा देते हैं। यहाँ पे पानी फूट चुका है, देखिए कितनी तेजी से पानी चल रहा है, तो अभी इसको जोड़ देते हैं भाई फटाफट से, वही तो पानी फिर आ गया है, बारिश फिर होने लगी है। सारे गंदे हो गए भाई,
बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, बहुत। तो बारिश की वजह से मौसम हो गया एकदम सुहाना, मस्त मस्त हवा चल रही है और ऐसे बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते, इसके नीचे आनंद आ गया। पहले और देखते हैं कहीं पानी फूट गया तो नहीं भाई। भरा ये लवालव भर के चल रहा, देखी है ना मस्त। पर यहाँ झाड़ झंकर बहुत हो गया इसलिए पानी फूट जाता, इसमें कहीं दिखाई भी देता नहीं, तो कोशिश में लगे हुए काम चल जाए कैसे भी खेत तक पानी पहुँच जाए। तब पानी खेत तक पहुंचता है, किसानों की मेहनत इन नेताओं को कहां दिखाई देती है। अब मैं YouTube चैनल मेरा तरक्की करवाओ, मैं फिर किसान भाइयों के लिए लड़ूंगा सबके लिए। देखिए बार बार प्यास लगाती है, इतनी मेहनत करके पसीना निकल आता है, देखिए शरीर की कहालत हो गई। वो तो आज मौसम सही है, ये बढ़िया है। आज भाई लाइट बार बार आ रही है और जा रही है, और हम मुकेश को छोड़ गए थे, अभी हम लौट के आए हैं, वो फिर चली गई, देखिए थोड़ा चला फिर चली गई, अब नहीं आएगी, अब फाइनल है। अब चलते हैं भाई, काम ख़त्म और ताला लगा देते हैं इसमें, इतना मोटा ताला रखा हुआ है, बंद करते हैं। और पावड़ा नहीं दिख रहा कहाँ, चलो बाद में ढूंढ लेंगे पावड़ा, ठीक है। ताला लगा देते इतना मोटा, कितना मोटा ताला है भाई। देखो गांव में हम आ चुके हैं और यहाँ देखो चार क्या हालत कर रखी है गायों ने गोबर कर करके, तो इसका इंतजाम करना पड़ेगा। इसमें गेट लगा देंगे, 1 2 3 4 यहाँ अंदर तक गायों ने हालत ख़राब कर दी है, तो यहाँ मेन गेट वहाँ पर लगवाना पड़ेगा तभी पार पर रहेगी, नहीं तो ये गायें गोबर ही करती रहेंगी और ये बच्चे उदम करते रहेंगे। हंस रही है, चौधरी रविकांत की पूरी फौज है, और ये हमारा नाती है भाई, और ये हमारा पुराना धराना सा टूटा फटा घर, ये देखिए भाई यहाँ तो बहुत सारे पेड़ उगाए हैं। और हमने करी पत्ता का जो पौधा लगाया था वो देखिए, ये करी पत्ता का ये मैंने अपने हाथों से लगाया है, अभी काफ़ी बड़ा हो चुका है क्योंकि बारिश का पूरा सीज़न इसे मिल गया। और ये चिली बिली इधर तुलसा जी तो बहुत की एकेडमी में आ चुके हैं, तो यहाँ बच्चे कर रहे हैं कुछ प्रैक्टिस, ये देखिए भाई बच्चों की नाइट प्रैक्टिस चल रही है यहाँ पर, और हम भी आ गए यहाँ बैठने के सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे, बैठिए रोलर लेने आएगा, चलो आज रोलर का उद्घाटन करके ही जाएंगे हम, यहाँ थोड़ी ना आएगा तो वहाँ जाएगा, तो कल कर लेंगे हमारा क्या। अरे बिल्कुल आ गया है, तो इस ग्रास कटर को चला के देखते हैं कैसा है, कैसे कर सही है भाई काम। तो सारा शॉपिंग कर आए, ब्रेड ले आए, इसमें है सब्जियाँ और इसमें है चना और इसमें है केला, और मोमोज भी ले आए, दिखाते हैं अभी मोमोज खोल के, मोमोज स्पेशल लेके आए हैं, चावल बने रखे हैं, तो चावल भी बने रखे भाई, ये पहले बता देते तो खाए के लिए मोमोज लाते, ये देखिए ये मोमोज आ गए, देखिए इतने बड़े बड़े मोमोज देते हैं तुम लोग, ये हो तो नहीं, इनके लिए भी रहा एक खा के देखना, मजा आ जाएगा।